हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सुधांशु केसवानी और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। हम लोग स्टार्टिंग से बेसिक से सब कुछ देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिथम्स इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लॉग, ठीक है? इसका हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो अगर कोई तीन नंबर्स हैं ए, एन और एक्स, ठीक है, ये तीनों रिलेटेड हैं, ऐसे कुछ ऐसे रिलेटेड हैं अगर ये, तो एक्स, यहाँ पे जो x है, मतलब x इज सेट टू बी, x इज सेट टू बी log ऑफ n टू द बेस टू बेस a, ठीक है? x को हम लोग क्या बोलेंगे, log n टू द बेस a। इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिख के बताता हूँ कैसे लिखते हैं हम लोग इसको log में। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, log n टू द बेस a x के इक्वल है, ठीक है? तो ये क्या है, देखते हैं इसको ध्यान से। ये लॉग का डेफिनेशन है, मतलब एक तरह से, कि जैसे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग पावर निकालना चाहते हैं उसकी, जैसे मान लीजिए मैं पावर नहीं मालूम ये इससे रिलेटेड कैसे है, तो ऐसे निकाल नहीं सकते। ऐसे बोला जाए कि 7 की पावर क्या होगी कि वो 49 हो जाए, तो यहाँ पर तो आपको पता है कि एक इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, ठीक है? पर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दें जो 7 का जो मतलब स्क्वायर या फिर क्यूब उसके पावर्स में आता है, या मतलब ये जो है ए जो है, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 50, तो यहाँ पे ए जो आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है? तो आप ऐसे आप ए निकाल ही नहीं सकते ना, दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें करने के लिए फिर नेपियर साहब ने, मेरे ख्याल से नेपियर ही, हाँ नेपियर साहब ने बनाया लॉगरिथम, कि ये काम को आपको आसान कर दिया जाएगा कि आप ऐसे करके, तो जैसे कि ये था, ये तो ये एक्स के इक्वल था ना पहले, मैं यहाँ पे वेरिएबल बी ले लेता हूँ वरना आप कन्फ्यूज जाएंगे ये वाले ए से, ठीक है? कन्फ्यूज मत होइएगा, एक्स लिख लीजिए सीधे कंप्यूटर, 7 की पावर x, ठीक है? 7 की पावर x इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू निकालिए तो कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे ऐसे आप करके निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको कुछ दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 5 का स्क्वायर 25 है, ये तो आपको पता ही है मतलब, मान लीजिए, ठीक है? तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, log ऑफ 25 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2, तो ये 5 है, इसकी पावर में जाएगा ये, 5 की पावर में जाएगा ये और ये 25 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? जब लॉग हटाते हैं तो ये इसकी पावर में चला जाता है, मतलब ये यहाँ से जाएगा और इसको पावर में ले लेगा, ठीक है? तो ऐसे आप लॉग हटा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया लॉग की थोड़ी बहुत जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है जैसे लॉग की, ठीक है? पहले लॉग की वैल्यूज से पहले मैं देख लेता हूँ। लॉग जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, बेस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए लॉग टू द बेस 10 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ नंबर लिखा है, यहाँ पे बेस ई है। जब बेस ई होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग। और जब बेस 10 होता है, क्योंकि हम लोग कॉमनली हमेशा, जब भी आप अभी प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि लॉग अगर इस्तेमाल किया होगा तो बेस 10 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बेस 10 के साथ ही दिखाया था, बच्चे आसान पड़ा थोड़ा सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है, कॉमन लॉग। अच्छा, एक और चीज़ ये मैंने किया था अपने टाइम पे, जब टीचर ने लिखा ना कि log a अपॉन log b, पहली बार जब मैंने log देखा था ना, तो मुझे लगा सारे वेरिएबल, तो मैंने log log काट दिया, इसको a इक्वल्स टू b कर दिया। ये किया था मैंने, पर ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं, तो log अलग चीज़ होती है। चलिए, हम लोग अब लॉग की जो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, कुछ वैल्यूज़ हैं, टू बी रिमेंबर में डालते हैं इसको, टू बी रिमेंबर, ठीक है? आपको याद रखना है लॉग 2 की वैल्यू, बेस 10 है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 0.3010, ठीक है, 0.3010। आपको याद रखना है लॉग टू द बेस 10 3 की वैल्यू, 0.4771, ठीक है? आपको कुछ नेचुरल लॉग्स की वैल्यू भी याद रखनी है, जैसे कि लॉग 2 टू द बेस ई, इसको आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ln 2 लिखा है, मतलब उसका मतलब है कि बेस ई है, लॉग जिसका बेस ई होता है उसको हम लोग ln की तरह के लिख सकते हैं, तो ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, ई की वैल्यू क्या होती है इस बात पर अगर आपको पता चलना है, तो 2.718 समथिंग ऐसे करके, 2.71 आप याद रखें, काफ़ी है उसके लिए, ठीक है? ये लॉग की वैल्यू होती है, कभी यूज़ नहीं होती वैसे, ये आपको याद रखना। अच्छा, एक और वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई लॉग कन्वर्ट करना है,
तो log e टू द बेस 10, मतलब log 10 टू द बेस e को आपको याद रखना है, वो होता है 2.303, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी कभी आपको कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करना है क्या करना है वो मैं बता दूँ आपको थोड़ी देर बाद। अब कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से एक ही पेन से लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हम सारी देखेंगे, तो मैं सारी पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, इसको मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है ये। अगर लॉग के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन पे, ये डॉट मैंने लगाया मल्टीप्लिकेशन, एक तरह से लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है लॉग 2 × 3 टू द बेस, कुछ भी हो बेस कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे लॉग 2 + log 3, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यही प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे लिखा जाता है, बेस जो है वही रहेगा दोनों में, ठीक है, यहाँ पे जो बेस था वही बेस यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, ठीक है, ध्यान देना है। अगर डिवीजन में है, डिवीजन में तो सिंपली इसको आप माइनस करके लिख दीजिए, सिंपल है। अगर लॉग जो लिखा हुआ है उसकी पावर में कुछ है, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ पावर में है वो पावर सीधे सीधे आगे आ जाती है तो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि पावर अगर इस पर लगी हो यहाँ पर, ठीक है, ये जीरो नहीं, मतलब यहाँ पर कोई पावर लगी हो, ऐसा कुछ लिखा हो लॉग ऑफ, ठीक है, एम टू द बेस ए, इसकी पावर कुछ के लिखा है, तो ये के जब बाहर आएगा तो ये 1/k बन जाएगा, ठीक है, log a ये m, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग सम मोर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कभी कभी क्वेश्चंस में काम आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको देखना है कि log a टू द बेस b, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/log b टू द बेस a, मतलब बेस को और उसको, बेस को और वैल्यू को चेंज करके आप उसको इन्वर्स कर देंगे सीधे, तो इस तरीके देखिए, तो अगर log a टू द बेस b और log b टू द बेस a दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, log b टू द बेस a, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log b/log a, बेस कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ये e स्पेसिफिक नहीं है, बेस आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो ऐसे इसको आप कुछ भी लिख दीजिए, log x बेस मान लीजिए, नया कोई बेस है, कोई नया बेस आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब log जो बेस लिखा होगा, जो ऊपर लिखा हो, जो नीचे लिखा है, उसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देख लीजिए, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये log a/log b लिखा हुआ है और ये log b/log a लिखा हुआ है, तो log b कट जाएगा, log a कट जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ नहीं आया अगर तो मैं फिर से दिखा देता हूँ ढंग से, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप कैसे लिखेंगे, ये आप ऐसे लिखेंगे log a/log b, बेस कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, log b/log a, ये 1 है तो ये ऐसे से कट गया है और ये ऐसे से कट चुका है, तो ये 1 आ गया तुरंत, 1=1, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको। तो यहाँ तक है कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको आ गई, लॉग क्या होता है, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं लॉग के तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अच्छा, ये बात आपको पता है कि नहीं, इसे लॉग है, ठीक है, लॉग की कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए लॉग एक्स कुछ भी है, तो इसमें ये इसका जो रेंज और डोमेन के बारे में और फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। लॉग एक्स इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है log x, ठीक है, इसका कुछ ग्राफ बना देते हैं जो आपके किसी काम का नहीं है अभी, मतलब आगे काम पड़ सकता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये ऐसा कुछ फंक्शन का, इसका फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सिंपल एक चीज़ बताना है मेरे को, इसका डोमेन जो होता है, इसका जो डोमेन होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ में डोमेन, देखिए डोमेन देखिए एक्स क्या है, 0 से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और रेंज जो होती है इसकी, रेंज होती है आर, रियल नंबर्स की, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसके रेंज जो है वो। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ये होता है 1,0, मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, log 1 0 होगा, बेस क्या है कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, log 1 है तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, log 1 0 होता है, ठीक है, ये आपको ग्राफ अगर ध्यान में रहेगा तो आपको सब चीज़ें पता रहेगी, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, log 1 0 होता है, सब पता चल जाएगा आपको अगर ग्राफ याद है तो ग्राफ अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ग्राफ कैसे बना,
तो जब मैं ग्राफ्स पढ़ाऊंगा कि ग्राफ्स बनाते कैसे हैं हम लोग, तो मैं वहाँ पे सब बताऊंगा कि ग्राफ बनाते कैसे, और वहाँ पे लॉग एक्स का ग्राफ आप खुद बनाएंगे, देखिएगा ठीक है।